समाचार गांधीनगर थी मळी रह्या छे। सौरभभाई पटेल आनंदीबेन पटेलना निवास स्थाने आनंदीबेनने मळवा माटे पहोंच्या छे। आनंदीबेनना गांधीनगर स्थित निवास स्थाने सौरभभाई पटेल तेमने मळवा माटे पहोंच्या होवाना समाचार मळी रह्या छे। विधानसभानी चूंटणी नजीक आवी रही छे। एक तरफ गईकाले आनंदीबेन पटेले पोते विधानसभानी चूंटणी न लड़वा माटे अमित शाहने पत्र लख्यो छे। बीजी तरफ हवे सौरभभाई पटेल आनंदीबेन पटेलने मळवा माटे तेमना गांधीनगर स्थित निवास स्थाने पहोंच्या छे। अनेक चर्चाओं थी रही है। बने वच्चे क्या प्रकार की बात थशे, शा माटे सौरभ पटेल आनंदीबेन पटेल ने मळवा माटे पहोंच्या छे ते मुलाकात बाद सामे आवशे। गईकाले आनंदीबेन पटेले आगामी विधानसभा चूंटणी न लड़वा माटे अमित शाह ने एक पत्र लख्यो हतो अने जेना पर भाजपना तमाम नेताओं और मंत्रियों द्वारा अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर सामे आवी हती। अने आ वच्चे हवे सौरभ पटेल आनंदीबेन ने मळवा माटे आनंदीबेनना निवास स्थान पहुंचा है। बने वच्चे क्या प्रकार की चर्चा थशे, शू रजूआत करवा माटे के बात करवा माटे सौरभ पटेल आनंदीबेन ने मळवा माटे पहोंच्या छे ते मुलाकात बाद सामे आवशे। परंतु हाल जे रीते समाचार मळी रह्या छे, आनंदीबेन पटेलना गांधीनगर स्थित निवास स्थाने सौरभ पटेल तेमने मळवा माटे पहोंच्या छे। महत्वनुं छे गईकाले आनंदीबेन पटेले अमित शाहने एक पत्र लख्यो हतो अने जेमां तेमणे पोतानी लागणी व्यक्त करी हती के आगामी विधानसभानी चूंटणी तेओ लड़वा नथी मागी रह्या, साथे ज घाटलोडियाना अन्य कार्यकर्ताओने तेओ तक आपवा मांगे छे। आ प्रकारनी लागणी आ पत्रमां व्यक्त करवामां आवी हती अने जेने लई भाजपना अनेक नेताओ अने मंत्रीओनी अलग अलग प्रतिक्रिया सामे आवी हती। आ साथे ज आनंदीबेन पटेले जे पत्र लख्यो छे तेना पर हवे हाईकमांड विचार विमर्श करी पोतानो निर्णय संभळावशे। परंतु आनंदीबेन पटेले पत्र लख्यो त्यारबाद अनेक प्रतिक्रियाओ सामे आवी अने हाल जे रीते समाचार छे ते प्रमाणे सौरभ पटेल आनंदीबेन पटेल ने मळवा माटे तेमना निवास स्थान गांधीनगर स्थित पहोंच्या छे। समाचार प्राप्त थई रह्या छे गांधीनगर थी। दृश्योमां पण आप जोई शको छो, जे दृश्यो छे ते आनंदीबेन पटेलना निवास स्थानना दृश्यो छे। गांधीनगर स्थित आनंदीबेन पटेलना निवास स्थाने तेमने मळवा माटे सौरभ पटेल पहोंच्या छे। बंने वच्चे क्या प्रकारनी वातचीत थाय छे, आ मुलाकात शा माटे करवामां आवी छे ते तमाम बात मुलाकात बाद सामे आवशे। परंतु हाल जे रीते समाचार छे, सौरभ पटेल आनंदीबेन पटेलने मळवा माटे तेमना निवास स्थाने पहोंच्या छे। आनंदीबेनना पत्रथी गुजरातनुं राजकारण गरमाई गयुं छे, कारण के आनंदीबेन पटेले गईकाले अमित शाहने एक पत्र लखी पोतानी लागणी व्यक्त करी हती के आगामी विधानसभानी चूंटणी तेओ लड़वा नथी मागता, घाटलोडियाना अन्य कार्यकर्ताओने तक आपवा मांगे छे। आ साथे जे पत्र अमित शाहने लखवामां आव्यो त्यारबाद गुजरातनुं राजकीय वातावरण गरमाई गयुं छे। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા મેહુલ દેસાઈ ગાંધીનગરથી અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। મેહુલ, એક તરફ આનંદીબેન પટેલે ગઈકાલે અમિત શાહને એક પત્ર લખી આગામી વિધાનસભાની ચૂંટણી ન લડવા માટે પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરી છે, બીજી તરફ અનેક પ્રતિક્રિયા આ મામલે સામે આવે છે। ગુજરાતનું રાજકારણ ગરમાયું છે, તે વચ્ચે સૌરભ પટેલ હવે આનંદીબેન પટેલને મળવા માટે પહોંચ્યા છે, માહિતી આપશો। चौक्सथी मनीषा, खास करीने वात करवामां आवे तो आनंदीबेन पटेल जे पूर्व मुख्यमंत्री हता तेमणे पत्र लखीने जे अमित शाहने जाणकारी आपी छे कि घाटलोडिया जे विधानसभा छे तेमांथी जेओ लड्या हता 2012 मां तेनी अंदर कोई जे कार्यकर्ता छे कार्यकर्ताने मौको आपवामां आवे ने त्यांथी चूंटणी लडाववामां आवे। खास करीने वात करवामां आवे तो जे गुजरातनुं जे राजकीय समीकरण छे जे छेल्ला 2 वर्षमां जे सर्जायुं छे, जेमां पाटीदार आंदोलन सहितना जे मुद्दाओ जे उछळ्या छे, त्यारे बेननुं नेतृत्व पाटीदारो तरीकेनुं पण एक जे नेतृत्व छे खूब ज महत्वनुं छे। खास करीने जे पत्र तेमणे जे लख्यो छे तेनाथी पक्षने पण क्यांक ने क्यांक फटको पड़े तेवी संभावना व्यक्त करवामां आवी रही छे। साथे जो वात करवामां आवे तो तेने लईने एक प्रतिक्रिया गईकाले पण नारायणभाई पटेल जे छे जे सीनियर आगेवान छे भारतीय जनता पार्टीना अने एक सीनियर धारासभ्य छे तेमणे पण कह्युं हतुं के तेनाथी चोक्कसथी एक आक्रोश जोवा मळी शके छे अने तेमणे चूंटणी लड़वी जोईए। त्यारे आजे पण तेमना जे निवासस्थाने छे निवासस्थाने मुलाकातीओ छे, मुलाकातीमां सौरभ पटेल जे पूर्व केबिनेट मंत्री छे तेमणे पण मुलाकात करी छे। मानवामां आवी રહ્યું છે કે જે પણ જે બેન દ્વારા જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તે અંગે પણ વિસ્તૃતમાં ચર્ચા કરવામાં આવી છે। તો ક્યાંક ને ક્યાંક જે સમગ્ર જે રાજકારણમાં જે શરૂ થયું છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે અમિત શાહની જે બેન સાથેની મુલાકાત હતી ત્યારે જે આ જે પત્ર જે તેમના દ્વારા લખવામાં આવ્યો છે તે અંગે પણ હવે બેન શું નિર્ણય લેશે તે પણ મહત્વનું છે। અને સાથે જ પક્ષ દ્વારા પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે પણ તેમણે જે પત્ર લખ્યો છે હાઈકમાન્ડને અને જે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષને ત્યારબાદ પક્ષનું જે पार्लामेंटरी बोर्ड आगामी दिवसों में आ बाबते विचार विमर्श करशे। बिल्कुल मेहुल, आपनो आभार समग्र माहिती विस्तारथी आपवा।